गाना गा, बोहिमिया का गाना गाएगा। अब उल्टी कर रहा लग रहा। ना क्या हो, ना क्या हो। एलन भाई है, इसको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश आती है। और मुझे हिंदी आती, इंग्लिश नहीं आती है। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, जैसा कि मैं व्लॉग बना नहीं पा रहा था, लेकिन अब से व्लॉग आएंगे, कोशिश करूंगा मैं। और अभी मैं लॉ गेट में हूँ, अपने रूम में हूँ, रूम से निकल रहा हूँ और कॉलेज की ओर जा रहा हूँ। और कॉलेज है मेरा 10 बजे, अभी 9:45 हो रहा है, जल्दी जाना है क्योंकि 10-15 मिनट का टाइम लगता है। साइकिल से मैं जाता हूँ, देख लो मेरी साइकिल एक बार, ये देखो मेरी साइकिल है। और सीन ये है कि गाइस, दिसंबर चल रहा है और दिसंबर में मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। अब एग्जाम्स आने वाले हैं, मतलब 2-4 दिन में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और कॉलेज की पढ़ाई वगैरह सब हो गई है। और मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवा भी नहीं पाया हूँ ज़्यादा, तो मैं आज थोड़ा दिखा पाऊंगा। और काफ़ी दिन बाद मैं तैयार हुआ हूँ और बहुत टाइम बाद तैयार हुआ। मतलब मैं तैयार होता नहीं हूँ जनरली, मैं ऐसे ही जाता रहता हूँ, दस्तार पहन के 4-5 दिन ऐसे लोअर में निकाल देता हूँ, मैं जाता नहीं। लेकिन आज तैयार हुआ तो मैं चलो आज वीडियो बनाते हैं अच्छे से यार, क्या है क्या नहीं। बाकी 10 बजने वाला है और जल्दी जल्दी निकलना है, तो मैं पहुँच नहीं पाऊंगा। अटेंडेंस है मेरी लो और अटेंडेंस मुझे लगाना जरूरी है, तभी मैं एग्जाम में बैठ पाऊंगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, चलते हैं, लेट्स गो। और आपका आज का ब्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देखते रहो मेरा ब्लॉग। ठीक है, तो गाइस मैं निकल चुका हूँ साइकिल से अपने LPU के लिए लॉ गेट से। और आज मौसम बहुत सुहाना है, बारिश भी हुई है, धूप भी निकली है और मेरी साइकिल आप देख सकते हो। बाकी मज़ा काफ़ी आता है साइकिल चलाने में, ठंडी में तो है लेकिन यार सांस उन्होंने लगती है। बाकी मेरी आप चेहरा देख ही सकते हो, कितना स्मार्ट लगी रहा हूँ। वीडियो नहीं रुकनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं लड़ जाऊँ, चाहे कुछ भी हो जाए, वीडियो नहीं रुकनी चाहिए। गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर, और यहीं से एंट्री है। और इस कॉलेज ने बहुत लोग की ज़िंदगी संवारी भी है, तो बहुत लोग की ज़िंदगी की माँ बहन भी की है। और अब हम लोग आ गए हैं साइकिल के पाथ पर, और यहाँ पर आपके स्कूटर वगैरह जो भी चलते हैं बाइक्स वगैरह पर है, क्योंकि यहाँ पर एक बार साइकिल लड़ चुकी थी, तो इसलिए हम लोग इसलिए इन्होंने अलग से बना दिया है। बाकी अब हम लोग आ गए बहुत अंदर, आ गए करीब, बस साइकिल स्टैंड पे पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। बाकी मैं अपना चेहरा आपको जरूर दिखाऊंगा कि मैं आज तैयार होकर आया हूँ, नहा के आया हूँ। और ये है LPU का बोर्ड, और ये आ गए हम लोग साइकिल स्टैंड पे, और यहाँ पर हम लोग साइकिल खड़ी करेंगे और एकदम लास्ट में खड़ी करेंगे, क्योंकि हम लोग आसानी होती है वहाँ से आने जाने की, इसलिए मैं सबसे एकदम लास्ट में खड़ी करूँगा। ये देखो यहाँ पर खड़ी करते हैं। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कॉलेज में अपने, और यहां पर मैंने साइकिल पार्क कर दी है। ठीक है, और 10 से ज़्यादा टाइम हो गया, 10:02 हो गया, लेट हो गया हूं मैं, जल्दी जल्दी भागते हैं कॉलेज की तरफ। यहां से रास्ता है, इधर से इधर चलते हैं। ठीक है, चलो लेट्स गो। तो गाइस क्लास 8th फ्लोर पर है और अभी मैं 0th फ्लोर पर हूँ, देखो ग्राउंड फ्लोर मतलब, ये देखो अभी मैं गया भी, एंट्री भी नहीं लिया हूँ, एंट्री उस साइड से लेनी है। और 8th फ्लोर पर देखो सर अटेंडेंस लगाते, बाकी लगाएंगे नहीं, लेकिन सर खड़ूस है यार, बहुत खड़ूस है, लगा भी देंगे, कोई बहुत बड़ा वो भी नहीं है, जान पहचान भी नहीं है सर से, और सर मानते भी नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अटेंडेंस ठीक ठाक है, इतना भी नहीं है कि बेकार है, ठीक ठाक है। तो गाइस जैसे मैंने एंट्री ली 8th फ्लोर पर, भागते भागते और पता लगा यहाँ क्लास में कोई है ही नहीं। देखो 36-8 सिर्फ इतने बंदे, 1, 2, 3, 4, 5। हेलो, हाय, दिस इज माय फ्रेंड अनिकेत, और वो ऋतुराज है, और ये यश भाई है, एलन भाई है, इसको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश आती है, और मुझे हिंदी आती, इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, तो ये सब है, और बाकी अभी सर ही नहीं आया, पूरे बच्चे ही नहीं आए, पता नहीं कहाँ पर है। तो चलो वेट कर लेते हैं, तो आप लोग आए गए, कोई दिक्कत होगी तो चलो खाने खाने चले जाएंगे कुछ, अगर नहीं आएंगे सर तो चलो। ना क्या हो, ना क्या हो। गाइस सूत्रों से पता चला है कि 33 ब्लॉक में पढ़ाई नहीं होगी, 34 ब्लॉक में 413 रूम नंबर में सेमिनार चल रहा है, तो सारे बच्चे वहीं पर हैं, सर भी वहीं पर हैं, तो हम लोग यहीं वहीं जाना है। ठीक है गाइस, फाइनली हम लोग 34 ब्लॉक पहुंच गए हैं 4th फ्लोर पे। अरे भक्ति की शक्ति कहाँ है, 413 इधर है। गाइस फाइनली हम लोग का आ गया है 4 रोटी और सब्जी ली है हम लोग ने, 60 रुपये की है और 10 की चाय। सेम हमारे भाई राजन भाई ने भी ली हुई है, और एलन भाई खा रहे हैं कश्मीरी आलू, महंगे वाले आइटम है, देख रही हो 70 रुपये का है ये कश्मीरी आलू, काफ़ी टेस्टी होता है। और कश्मीर से आलू बन के आए हैं भाई एलन भाई के लिए, कैसा लग रहा है ब्रो, व्हाट आर यू फीलिंग? आई लाइक इट, टेस्टी, बट यू आर अनहाइजीनिक, सी योर प्लेट, सी योर रोटी, सो व्हाट, दैट्स व्हाई ना, बट सम पीपल आर हियर। वरने भाई हमेशा वो खाता है, क्या खा रहा है? चना समोसा। आप देख ही सकते हैं, लग ही रहा है चना समोसा, शरीर देख के समोसा ही भरा, आलू ही भरा पूरा शरीर में। हाँ ताले ब्लॉग में यही तो मजा आता है। तो गाइस अभी हम लोग खा रहे हैं
खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग की एक घंटे की अभी छुट्टी चल रही है, एक घंटे की फ्री, मतलब फ्री है हम लोग। उसके से 12 से 1 हम लोग का एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम देके उसके बाद फिर 1 से 2 फ्री है, ठीक है। तो उस समय थोड़ा इन्जॉय कर लेंगे, अभी हम लोग खाना खा लेते हैं, कुछ खाया नहीं हम लोगों ने। ये इस बंदे ने लिखा है सौरभ भाई, देख कहाँ आ रही, लिफ्ट आ ही नहीं रही, देख लिफ्ट, हम लोग वेट कर रहे हैं लिफ्ट का, लेकिन लिफ्ट रुकी नहीं रही है, देख रहे हो, एक बार ऊपर जाके नीचे आ चुकी है। तो गाइस अभी हम लोग की क्लास की छुट्टी हो गई है, और हम लोग का क्या हो गया है, मतलब एग्जाम अगर हम लोग दे दिए, एग्जाम ठीक ठाक गया है, बाकी गाना का बोहिमिया गाना का बोहिमिया का गाना गाएगा। अब उल्टी कर रहा है, लग रहा है गाना गया हूँ। वो तो गाना था, गा नहीं रहा था एक दिन, जब जब ऐसे सीढ़ी जा रहे थे तो कुछ गा रहा था। दोबारा लोग करते हैं दोबारा, ठीक है, चल चल चल, अबे अंधेरा आएगा अंदर ना, यही कर, चल चल चल। अरे सर आ रहे तो क्या, मुझे समझ ही नहीं आता किस बात का गुरूर है, बाप ओबामा या तो करीना कपूर है, अभी मेरे को कहा बिजी रहती है देश, मानो माइक्रोसॉफ्ट तेरा बुहा और तू बिल गेट्स। चल अरे सौरभ भाई, टना न न न न और यहां नहीं, वहां भी ले। हां भाई, अब हम भी वही लेंगे, भी जान लेना, डस्टबिन के साथ में तू लेना, नहीं नहीं साथ में ले रहा, बैग डालो। हां ये बढ़िया, ये फोटो बढ़िया। तो गाइस अभी हम लोग की झूठे क्लास ओवर हो गई है, अभी एक घंटे की थोड़ी छुट्टी है, बीच में इंटरवल चल रहा है कह लो, तो हम लोगों ने खाना तो खा ही लिया था, दो इंटरवल हो गए थे, तो 1 से 2 अभी बाकी है, नहीं सॉरी 12 से, हाँ 12 से 1 कॉलेज हो चुका है, 1 से 2 इंटरवल चल रहा है, तो हम लोग फोटो शूट के लिए आए हुए हैं, वीडियो वगैरह बना रहे हैं, फोटो शूट कर रहे हैं। ये देखो हमारे सौरभ भाई फोटो खिंचवा रहा है, नहा के नहीं आया भाई 2 दिन से बंदा, लेकिन तभी बंदे के अंदर गट्स है, जीन्स वगैरह पहन के आया हुआ है, सब कुछ ये उज्ज्वल वगैरह वो हो जाती है, वो क्या नाम है, जब धूप में खींचो ना, धूप में खींचो तो हो जाती है ब्राइटनेस, कम हो जाती है धूप में खींचो तो, वो बाद में आ जाएगी, अभी गर्म हो जाता है ना फोन तो अपने आप हो जाता है, वो चेंज भी कर सकते हैं। अरे सौरभ भाई, इसका नाम क्या है, सौरभ ही तो है, सौरभ नाम है, मैं आदि भाई। इस बंदे को 1 महीना नहीं हुआ आईफोन लिए हुए, आईफोन का 14 है ये, आईफोन 14, और ये देख इसका गाइस दिख रहा है, रोशनी दिखा, अरे यश भाई रोशनी, ये देखो दिख रहा है, ये देख टूट गया इसका एक तो लेंस का भी टूट गया था, इसने लेंस लगवाया था एक इसका निकल गया, एक निकल गया, एक लगाया है, और एक इसका ये टूट गया था, अभी इसने करीब 1.5 महीना हुआ इसने फोन की बुआ माँ बहन एक कर दी है इसने, शुक्र मना है इसे प्रोटेक्शन की। हाँ वही तो, आईफोन की बिल्ड क्वालिटी लो है भाई, 14 रिकमेंड नहीं करता है, मत ले आईफोन के, जो 14 होते हैं ना वो आईफोन 14 ही लेते हैं, 13 ले लेना, 15 ले लो, ये देख कपड़ा किसी, अरे भाई कंबल क्यों ले आया भाई, कंबल तो उसका है, उसका है ये, ये क्या हो गया, किसने पहन लिया भाई मुझको, रुक रुक, ये क्या नाम है, लप्पू डॉन एलपी का डॉन, चल 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 चल, एक बार फिर से गाइस, ये कटप्पा इंग्लिश बोल रहे हैं गाइस, हमारी एक लास्ट क्लास बची हुई, क्लास करके हम लोग फ्री हैं, ठीक है चलो, वो समोसा खा रहा है, वो देख इंटरवल में कुछ खा नहीं पाया तो समोसा खा रहा है, तो गाइस फोटो शूट कराने में टाइम निकल गया। चलो हम लोग चल रहे हैं, बाकी हमारे बहुत ही मेन सर का क्लास है, जो कि पढ़ाते वढ़ाते कुछ नहीं है, नाम नहीं लूंगा मैं, पर पढ़ाते कुछ नहीं है, एलपीयू में है, बहुत बेकार पढ़ाते, कुछ पढ़ाते ही नहीं, खुद ही नहीं आता कुछ, लेकिन चलो अहंकार बहुत है उनके अंदर, पर चलो कोई बात नहीं, अब जैसा है तैसा, नहीं तो अगर ज़्यादा बोलेंगे तो मार्क्स काट लेंगे, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है हम लोग क्लास अटेंड कर लेते हैं। चलो अरे कोई दिक्कत नहीं है, लोड नहीं लेना है। Come on!
तो गाइस फाइनली क्लास ओवर हो चुकी है और हम लोग शाम के 5 बज चुके हैं और उज्जवल भाई सौरभ भाई उन दो के चक्कर में लिफ्ट रोक रखी है। वो देखो इन दो चूतियों के चक्कर में लिफ्ट रोक रखी है हम लोग ने। ये देखो लिफ्ट रोकी है। चलते चलते छह दबा दो नहीं अबे ऊपर नहीं आएगा भाई नौटंकी नहीं बक बक लंडे से बे क्या हुआ भाई चल ऊंची करियो। उज्जवल भाई साइकिल चलाते हुए पहली बार जिंदगी में आज तक साइकिल कभी चलाया नहीं है। उज्जवल भाई आ जा। तो गाइस फाइनली हमारी क्लास खत्म हो चुकी है और शाम के बज गए हैं 5:30 और अभी हम लोग आए हैं चाय सुट्टा बार चाय पीने। काफ़ी टाइम बाद आए हैं अपने दोस्त का टाइम स्पेंड करने आए हैं तो चाय तैयार हो रही है काफ़ी ज़्यादा। मैं पहली बार पी रहा हूँ चाय सुट्टा बार में। ओए चाचा कैसी है पिया ही नहीं होगा इसने। इस चाय पीने के बाद मैं बाहर आ गया था और मुझे भूख लग गई थी तो मैं कहा चलो कुछ खा ही लेते हैं। तो मैंने यहाँ देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर खा रहे हैं कुछ फेमस ही होगा तो मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया है डबल एग रोल और चिकन के साथ, मतलब डबल एग चिकन रोल ये मैंने ऑर्डर किया है। मात्र 80 रुपये का है। 80 रुपये का तो नहीं मतलब महंगा है पर मैंने 80 वाला किया। ये देख लो चिकन आ रहा है और एक आता है डबल एग डबल चिकन आता है, एक डबल एग सिंगल चिकन आता है तो मैंने डबल एग सिंगल चिकन वाला लिया है। और देख लो आप कैसा बन रहा है भाई, कितने लोग ऑर्डर दिए हुए इकट्ठे बना रहे हैं और साथ में ये लोग सूप भी बनाते हैं। और फाइनली मेरे पास ऑर्डर आ गया है, मैं यहाँ पर बहुत काफ़ी टेस्टी है, मैंने एक बार चखा है और ये देख लो रोल काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर चिकन देखो कितना ज़्यादा है और हालांकि यहाँ पर बहुत सारे फेमस हैं पर आप यहाँ देखो सूप भी बनता है और स्टूडेंट्स रोल के नाम से फेमस है, बगल में ही है एलपीयू के, आप चाहे तो आप ट्राई कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा होता है। और सबसे अच्छी बात ये लोग देख लो किसी भी टेम्पू में यार गाड़ी में इन्होंने खोल लिया है रेस्टोरेंट। देखो अगर बंदा चाहे तो कुछ भी कर सकता है आज के टाइम पर, तो इससे समझ में आता है कि हार नहीं माननी चाहिए। सो गाइस अब मैं फाइनली रूम में आ गया हूँ और क्या ही भैया चिकन रोल था, डबल एग चिकन रोल था, मात्र 80 रुपए का। मात्र तो नहीं बोलूंगा, 80 रुपए ज्यादा होता है पर टेस्टी था, काफी ज्यादा मजा आ गया। और डबल एग और डबल चिकन ले लोगे तो 100 रुपए का मिलेगा पर मैंने 80 वाला लिया। बंदे कह रहे थे कि ये ज्यादा लोग खरीदते हैं ज्यादा टेस्टी भी होता है तो मैं कहा चलो यही लेते हैं। एक बार पहली बार मैंने खाया और भाई साहब ऑल्टो गाड़ी में ऑल्टो गाड़ी को बनाया हुआ उन्होंने वो फूड काउंटर बना दिया था। दो जगह लगे थे पर ये ज्यादा फेमस था स्टूडेंट रोल्स तो मैं वहीं गया था। पहली बार मैं गया था, कभी मैं खाया नहीं। मैं चलो मैं बहुत आगे चला गया था साइकिल से, फिर मैं कहा सब यार कुछ खा लेते हैं यार, रूम पे जाऊंगा फर्जी नमकीन बिस्कुट लूंगा खरीदूंगा 50-60-70 रुपए ऐसे खर्च हो जाएगा, इसलिए चलो कुछ खा लेते हैं। तो मैं कहा चलो वहाँ नया जगह ट्राई करते हैं, रोज हर जगह तो खाते रहते हैं फिर नया जगह ट्राई करते रहते हैं। तो भाई आज लेट भी हो गया काफ़ी, 5:00 बजे तक क्लास थी मेरी, क्लास हो चुकी थी। हम वैसे आते आते 5:30 बज जाता है पर आज मैं निकला ही वहाँ से 6 बजे करीब, तो आते आते 7 बज गए करीब। और पहली बार दोस्तों से थोड़ा मजा किया, थोड़ा चाय वगैरह पिया, इन्जॉय किया, तो मैं इन्जॉय नहीं करता था। तुरंत क्लास खत्म हुई, साइकिल पकड़ के मैं वापस अपने रूम पे आ जाता था, आराम करता था, जो भी कह लो टाइम वेस्ट नहीं करता था। आज थोड़ा टाइम वेस्ट किया, थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए लाइफ को यार, दोस्त लोग हैं। वैसे ही मैं अकेले रहता हूँ तो कभी इधर नेगेटिविटी भी आ जाती है अंदर, मोटिवेशन नहीं मिलती, डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो ये मोटिवेशन का अच्छा साधन है, दोस्तों के साथ रहो, थोड़ा बहुत घुलो मिलो बात भी करो तो थोड़ा दिल को भी सुकून मिलता है और उनको भी अच्छा लगता है, तो ऐसा किया करो ज़्यादा अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। बाकी यार रात हो गई है, मैं जा रहा हूँ कपड़े वगैरह चेंज करने, आराम से लेटने, फिर पढ़ाई वढ़ाई करूँगा जो है, क्योंकि मेरा कल एग्जाम भी है और कल का ब्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल नहीं एग्जाम है सॉरी, मेरा परसों एग्जाम है और एग्जाम चल ही रहे हैं और एग्जाम स्टार्ट है, आज भी एग्जाम दिया मैंने, वो टेस्ट वगैरह चल रहे हैं पर परसों से तो एग्जाम ही स्टार्ट है, परसों नरसों से तो एग्जाम ही स्टार्ट है, टोटल टेस्ट खत्म एग्जाम शुरू, तो भाई दिक्कत हो जाएगी। बाकी ब्लॉग आपके डेली आएंगे, कोशिश करूंगा ब्लॉग डेली नहीं तो डालता रहूंगा, रेगुलर रहूंगा, मेरा कंसिस्टेंट नहीं हुआ यूट्यूब पे 3-4 महीने से, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ मुझे खुद पता है। ये तो 6:00 बजे मेरे डेली व्लॉग्स आते थे और आज मैं व्लॉग नहीं डाल पा रहा हूँ, मुझे खलता है कभी कदार, पर कोई बात नहीं, विल बी बैक सून, वैसे स्टार्ट कर दिया है। बाकी ज़्यादा बोल दिया मैं, बाकी आज का ब्लॉग यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।